गुलाम रसूल बलियावी के बयान से उनकी ही पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का ये बयान सार्वजनिक हुआ, उनके बयान से पार्टी ने ही पल्ला झाड़ लिया है। और जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि ऐसे बयान हमारे समझ से परे हैं, सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए, ये आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। तो पार्टी नहीं, बलियावी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। स्वाभाविक सी बात है, सेना को लेकर अगर इस तरह का विवादित बयान कोई भी देता है तो उससे कोई संतुष्ट नहीं रह सकता। लेकिन आप इस मजलिस में देख सकते हैं किस तरह से बलियावी के बयान पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ठहाके लगाता है, वाहवाही करता है। पाकिस्तान को हराने की बात पर गुलाम रसूल बलियावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को हराना है तो लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काट सकता। सेना में 30% मुसलमान के बच्चों को बहाल करने की बात कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, और उनके इस बयान पर इस मजलिस में वाहवाही भी बटोरते हैं। अफजर शमसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अफजर जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। अफजर शमसी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, आ रही है। भारतीय सेना के जवान गाजर हैं और उनसे लोहा नहीं कटेगा, जो कि पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी आतंकियों को खत्म करना है तो सेना में 30% मुसलमान के बच्चों को बहाल करना चाहिए, ये कहना है जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, और ये खास करके जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के जो लोग हैं वो सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार का अनपार्लियामेंट्री बयान गुलाम रसूल बलियावी दे रहे हैं। देखिए, ये लोग बेसिकली उसी रास्ते पर चल रहे हैं, यानी आजादी के पहले जिस रास्ते पर मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया पाकिस्तान, आज उसी रास्ते पर वोट बैंक की राजनीति के लिए, पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग कर रहे हैं। और ये केवल गुलाम रसूल बलियावी का बयान नहीं है, मुझे तो लगता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके पार्टी के ही शीर्ष के नेता अधिकृत किए हुए होंगे कि आप कुछ भी नहीं। ये तो बड़ी अनपार्लियामेंट्री बात बोलना और सेना के बारे में बोलना, उसके पराक्रम के बारे में बोलना, उसमें साहब ये कहना, वोट बैंक करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी की ही मंशा है। लेकिन अफसर जी हम आपको ये भी बता दें, ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए। जेडीयू नेता अभिषेक झा, पार्टी प्रवक्ता, उन्होंने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा है कि ये उनकी बात है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह का बयान सेना को लेकर कोई कैसे दे सकता है, क्यों दे सकता है। हम सेना और देश का सम्मान करते हैं, उसके विरुद्ध सोच भी नहीं सकते। पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है गुलाम रसूल बलियावी के बयान से। देखिए, ये दो तरह का डबल स्टैंडर्ड बात है। प्रवक्ता तो बोलेंगे ही अपनी बात कि ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो उसी पार्टी के लोग इस प्रकार की भाषा करा रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी अभी दूसरी जगह भी गए थे, वहां भी वो उस किस्म की भाषण में बोल रहे थे। तो सवाल है कि मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें पार्टी क्या पल्ला झाड़ रही है? उनके जो आका हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। कोई छोट भैया प्रवक्ता बोल दे इस तरह की बात, इसका क्या मतलब है कि प्रवक्ता ये पार्टी का बयान नहीं है? आखिर किस शय पर लोग बोल रहे हैं? अफजल जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि ये जिन्ना वाली मानसिकता से प्रभावित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, और हमने देखा है कि बिहार में ही PFI का षड्यंत्र उजागर हुआ था, जब 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी, तो ये कहीं साठगांठ तो नहीं? और आपके पार्टी के नेता भी इस तरह के अंदेशे को जाहिर कर चुके हैं।
देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि खास करके जो बॉर्डर एरियाज हैं और उस बॉर्डर एरियाज में भी जिस तरह से घुसपैठ हुआ या जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम डाला गया, जो बांग्लादेशी थे, जो पाकिस्तानी थे, उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डाला गया, और उसी प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो नेचुरली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो या उस प्रकार के लोग हो, वो लोगों का तो इन लोगों का साथ गांठ सबका है ही। और अफजल जी, आप बीजेपी में हैं, केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जिन्ना की मानसिकता है, तो उस मानसिकता का परिणाम क्या हुआ था 47 में, ये पूरी दुनिया ने देखा है, भारतवासियों ने उसे भुगता है, तो अगर इस तरह की बातें हो रही है तो आगे क्या खतरनाक स्थिति बन सकती है, इसको लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है, कदम उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति के लिए और देश को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी लेवल में जा सकते हैं, और किसी भी लेवल में इनका एन कैन प्रकारेन है और पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए ये बिहार या देश के माइनॉरिटी का सोच नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बोल करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस प्रकार की अनपार्लियामेंट्री बयान देकर के, और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की बात बोल करके, देश को तोड़ने की बात बोल करके, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की वकालत करके, PFI की वकालत करके, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चूंकि पूरी वोट बैंक इनकी खिसक रही है, डेवलपमेंट और विकास जो केंद्र में हुआ है, उस डेवलपमेंट और विकास को लेकर के पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग और इस तरह के लोग हताश और निराश हैं, और ये उनकी हताशा और निराशा का ही परिणाम है कि वो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं उस वोट बैंक के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजबर शमसी साहब समय देने के लिए, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता अजबर शमसी ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना का रुख कर लेते हैं, सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, अभी हम अफजल शमसी जी को सुन रहे थे, इससे पहले हरिभूषण ठाकुर जी को हमने सुना, उन्होंने तो कहा कि PFI के एजेंट हैं और उन पर देशद्रोह की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हालिया दिनों में देखा जाए तो गुलाम रसूल बलियावी लगातार ऐसे ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बन जा रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब बिहार की राजनीति में गुलाम रसूल बलियावी की तूती बोला करती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी काफ़ी नज़दीकी हुआ करती थी, लेकिन हाल के दिनों में वो सत्ता में किनारे कर दिए गए, उनकी उतनी पूछ नहीं रही, लिहाजा वो इस तरह के बयान देते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो प्रासंगिक हो सके। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के दौर में शायद गुलाम रसूल बलियावी ये भूल जाते हैं कि जो हमारी शौर्य वाली सेना है, जो हमारी सेना की वीरता है, कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल उठा देते हैं। शायद गुलाम रसूल बलियावी ये भूल गए कि हमारी ही सेना है जिसने पाकिस्तान को कई दफे धूल चटा दी, हमारी ही सेना है जिसने चाइना को कई दफे धूल चटाई और आज भी चटा रही है। तो सेना के शौर्य पर, सेना की वीरता पर आप सवाल उठा रहे हैं सिर्फ एक राजनीति करने के चक्कर में, अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है JDU के ऊपर भी, क्योंकि अगर कोई आपके पार्टी के खिलाफ जैसे ही बयानबाजी करता है, JDU उस पर कार्रवाई करती है, अनुशासन का डंडा चला देती है, लेकिन जो व्यक्ति देश की सेना पर सवाल उठा रहा है, जो सेना हमारी सुरक्षा कर रही है, सरहदों पर दिन रात डटी हुई है, आतंकी हो या दुश्मन देश की सेना हो, उससे वो दो दो हाथ कर रही है, आप उसके शौर्य पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप गंभीर कृत्य कर रहे हैं, गंभीर आप बात बोल रहे हैं, और इस तरह की बात कहीं ना कहीं सेना के मनोबल पर भी उसका असर होता है। जहां आम आदमी अगर सेना पर कुछ बोलता है, उसे फौरन उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन गुलाम रसूल बलियावी, आश्चर्य होता है कि एक ऐसा नेता जो बिहार की राजनीति में काफी जमा जमाया हुआ नेता है, परिपक्व नेता है, गंभीर नेता की छवि एक समय इनकी थी, लेकिन जैसे ही ये हाशिए पर जा
जा रहे हैं, अब सेना का भी इस्तेमाल राजनीति में करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि यह हमारी पार्टी लाइन का बयान नहीं है, तो आपकी पार्टी में तो गुलाम रसूल बलियावी तो जरूर हैं, तो आखिर उन पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप ये कहकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि देखिए पार्टी लाइन से ये बयान अलग है, हम इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, या क्या जेडीयू इतनी मजबूर हो चुकी है कि सेना पर अगर कोई बयान देता है और उस पर भी जेडीयू खुलकर सामने नहीं आ रही है, खुलकर उस पर एक्शन नहीं ले रही है? इसमें तो होना यह चाहिए था कि स्पष्टीकरण मांगा जाता गुलाम रसूल बलियावी से कि आपने क्यों सेना को राजनीतिक बयानबाजी में आपने सेना को क्यों लपेटा, आपकी मंशा क्या थी, और उन पर कुछ उचित एक्शन होना चाहिए था। और सारे राजनीतिक दलों को एक फोरम पर आना था, क्योंकि हमारी सेना की बात है, हमारी सेना की वीरता की बात है, हमारे सेना के शौर्य की बात है। गुलाम रसूल बलियावी तो भूल गए हैं, लेकिन क्या जेडीयू भूल गई है कि सेना लगातार सरहदों पर हमारी सुरक्षा कर रही है? और एक दो दफे नहीं, कई बार उसने पाकिस्तान को पटखनी दी है और आगे भी पटखनी देने के लिए हमारी सेना तैयार है। और सेना के जब शौर्य पर सवाल उठेगा तो जेडीयू से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं थी किसी को। बिल्कुल, शायद गुलाम रसूल बलियावी ये भूल गए कि पाकिस्तान ने जितनी बार भी दुस्साहस किया युद्ध करने का, उतनी बार उसे मुंह की खानी पड़ी, और अब तो भारतीय सेना पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब खुलेआम दे रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। क्या ये गुलाम रसूल बलियावी भूल गए? और जिस पाकिस्तानी सेना को वो लोहा बता रहे हैं, तो क्या वो भूल गए कि लोहे में जंग लग जाती है और लोहा किसी काम का नहीं रहता? भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने से पहले क्या गुलाम रसूल बलियावी ये भूल गए थे? रितेश, अब बिल्कुल सही कहा आपने दीपक, कि गुलाम रसूल बलियावी आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और किस कौम की आप बात कर रहे हैं कि सेना में 30% मुस्लिमों को, मुस्लिम सेना में जाते हैं और उसी तरीके के शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और भारतीय सेना में किसी भी व्यक्ति के साथ जात पात या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। कई ऐसे मुस्लिम हमारे वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या अन्य आतंकी हो। तो फिर ऐसी बयानबाजी से कहीं ना कहीं अपने कौम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, और बलियावी राजनीति करने के चक्कर में ये भूल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हालिया दिनों में बिहार में अगर देखा जाए तो लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, बयान पर प्रतिक्रिया भी आते हैं, और वो नेता जो हाशिए पर चले गए हैं वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे मेरी ही पार्टी नहीं पूछ रही है, सरकार में मेरी पूछ नहीं है, बिहार की राजनीति में मैं अलग थलग पड़ गया हूं, तो चलो कोई बयान ऐसा विवादास्पद देता हूं ताकि पार्टी भी नोटिस करे, लोग भी नोटिस करे। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी जो है वो एक कदम आगे बढ़ गए। बयानबाजी आप कीजिए, आपको किसी नोटिस करवाने के चक्कर में कि पार्टी नोटिस करे, जनता नोटिस करे, नोटिस के चक्कर में कहीं पार्टी की ओर से गुलाम रसूल बलियावी को कोई नोटिस न थमा दिया जाए, क्योंकि इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और स्वाभाविक सी बात है यह मामला यहीं थमने वाला नहीं है। चलिए रितेश, नजर बनाए रखें फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।